लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओंकार हूं, मुझसे उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोक हित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं। किंतु अकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। मैं ओंकार हूं। पुत्री सिमंतनी के कहीं चले जाने से व्यथित महारानी चंद्रिका भगवान भोलेनाथ से सिमंतनी के सकुशल लौट आने की प्रार्थना करती है। कैलाश लोक में उपस्थित होकर देवर्षि नारद माता पार्वती से सिमंतनी की भाग्य रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। राजकुमारी सिमंतनी की अखंड तपस्या से प्रसन्न माता पार्वती उसकी वैधव्य पीड़ा को समाप्त कर कहती है कि विधवा होने की पीड़ा से तुम बच जाओगी, किंतु तुम्हें अन्य प्रकार के कष्ट झेलने पड़ेंगे। सिमंतनी के स्वयंवर में उपस्थित उद्विग्न सभी राजकुमार स्वयं महाराज से सिमंतनी के विषय में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए राजसभा का त्याग कर देते हैं। एकमात्र बचे राजकुमार चित्रांगद को सिमंतनी पति रूप में वरण करते हैं। शिवशंकर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी कृपा पर अविश्वास किया, किंतु आपने अपने भक्तों का विचार कर उन पर अपनी कृपा प्रकट की। मेरे सपनों के मानव राजकुमार को नागलोक भेज दिया। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप, धन्य हैं प्रभु। अरे ये तो हमारी राजकुमारी जी। चलो चलकर महाराज को सूचित करते हैं। चलो उठाइए इसे। चलो भाई उठाओ उठाओ, संभाल के उठाओ भाई। ले चलो धीरे धीरे। चिंता और भय की आवश्यकता नहीं है, ये नागलोक है राजकुमार। भगवान शिव की कृपा से तुम नागलोक में आ गए हो। नागलोक? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ मैं? तुम एक राजकुमार हो, तुम मेरे स्वप्न में आते रहे हो, अर्थात मेरे स्वप्नों के राजकुमार। अब तुम यहीं रहोगे। राज कुमार? हाँ। स्वप्नों का? स्वप्नों का राज कुमार? सुनो महारानी, भले ही भगवान शिव ने स्वयं ही इसे हमारी पुत्री के लिए नागलोक भेज दिया है, किंतु नागलोक की परंपरा के अनुसार हम इन दोनों का विवाह नहीं कर सकते। स्वामी, स्वामी, जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही हमारी पुत्री के लिए उस मानव राजकुमार को इस नागलोक में भेजा है, तो उन
उनका विवाह ना करने का निर्णय लेकर आप महादेव की इच्छा का अनादर क्यों कर रहे हैं? भगवान सदाशिव की इच्छा का अनादर तो हम स्वप्न में भी नहीं कर सकते महारानी, परंतु हम अपने राज्य इस नाग लोक की परंपरा और मर्यादा के समक्ष विवश हैं। आप यूं ही विवश होने का भ्रम मन में पाल रहे हैं। आप इस राज्य के महाराजा हैं। यहाँ की हर मर्यादा परंपरा आपके द्वारा ही निर्धारित की हुई है, और यदि स्वयं के स्वार्थवश किसी मर्यादा या परंपरा का उल्लंघन भी करना पड़े तो हमें उसका अधिकार है। नहीं महारानी, नहीं, हमें आपका ये परामर्श स्वीकार नहीं। परंतु अपनी युवा पुत्री की मनोकामना का दमन करना आपको स्वीकार है। आपको ये भी स्वीकार है कि किसी पृथ्वी पुरुष से विवाह करने का अटल निश्चय लिए आपकी पुत्री जीवन भर अविवाहित बैठी रहे। आपको ये भी स्वीकार है। हमें शब्द जाल में उलझाओ नहीं महारानी। पुत्री मोह में तुम्हारा मन, ज्ञान, विवेक अपना संतुलन खो सकता है, हमारा नहीं। तुम भूल गई वो दिन जब हम दोनों मणिभद्रा के साथ शिव आराधना पूरी कर चुके थे? तब तुम्हारी इसी पुत्री ने तुम्हारे बार बार पूछने पर तुमसे सकुचाते हुए कहा था, माता, मैंने पिछली रात पृथ्वीलोक के जिस पुरुष को स्वप्न में देखा है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तब तुमने ही उसे सत्य समझाते हुए कहा था, स्वप्न की बात भूल जाओ पुत्री, एक नाग कन्या का पति नाग राजकुमार ही हो सकता है, कोई मानव नहीं। और आज तुम स्वयं ही इसके विपरीत। हाँ, आज मैं स्वयं ही आपको विपरीत विचारों की दिशा में ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी पुत्री मणिभद्रा ने अपनी कामना पूर्ति के लिए पूरे मनोयोग से भोलेनाथ की कठिन आराधना साधना की है, और ये उसी का ही परिणाम है कि भगवान शिव शंकर ने स्वयं ही पृथ्वी के एक राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए इस नागलोक में भेज दिया है, और इस सत्य को अब स्वयं मान भी चुके हैं। हाँ, हम ये मान चुके हैं कि हमारे आराध्य देव भोलेनाथ ने इस मानव राजकुमार को हमारी पुत्री के लिए ही यहाँ भेजा है, परंतु हमें भय है कि यदि हमने अपने स्वार्थ हेतु अपने नागलोक की परंपरा के विपरीत कोई कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम संपूर्ण नाग जाति को ना उठाना पड़े, हमारे राज्य पर कोई विपदा ना आ जाए। हमारे द्वारा नागवंश की रीति नीति और मर्यादा भंग होने पर जिस घृणित आदर्श की स्थापना होगी उस पर हमारी प्रजा भी अनुसरण करने लगेगी। नहीं महारानी, नहीं, हम ऐसा अनर्थ नहीं होने देंगे। हम अपनी नाग कन्या का विवाह उस मानव राजकुमार से कदापि नहीं करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, कृपा निधान, हे भोलेनाथ, आपकी माया ने जिस मानव राजकुमार के दर्शन मुझे स्वप्न में कराए थे और जिसे मैंने मन और वचन से अपना पति मान लिया था, उसे आपने कृपा करके मेरे लिए ही नागलोक में भेजा है। ये सत्य जानते हुए भी मेरे पिता उनसे मेरे विवाह का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं मानव राजकुमार की जीवन संगिनी बनूं। हे विधाता, हे सर्वज्ञाता, आप ये भलीभांति जानते हैं कि यदि वो मुझे पति के रूप में ना मिले तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यदि मेरे पिता अपने निर्णय पर अटल रहे तो मैं यहीं आपके सम्मुख रो रो कर अपने प्राण दे दूंगी। ये क्या पुत्री, तुम्हारे नैनों में अश्रुधारा? हाँ माता, जब तप का इच्छित फल सामने हो और प्राणी उसे पा न सके तो मन तो व्यथित होगा ही, नैनों में अश्रु तो आएंगे ही। मैं तुम्हारी व्यथा चिंता को समझती हूँ पुत्री, तुम्हारी इस व्याकुलता पीड़ा का आभास भी मेरे मन को है। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव मुझ पर भी उतना ही है जितना कि तुम पर मैं तुम्हारी तरह निराश तो नहीं? तुम्हारे पिता इस समय राज्य में
अपने ही द्वारा निर्धारित नीतियों, रीतियों और परंपराओं के वश में आकर स्वयं को अति विवश पा रहे हैं। वो तुम्हारा विवाह उस मानव राजकुमार के साथ करना तो चाहते हैं, किंतु अपने ही बनाए विधि विधान उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दे रहे। एक बात कहूं पुत्री, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो जाएं, पर एक सत्य अटल है और वो ये कि प्रत्येक अंत अपने आप में एक आरंभ भी लेकर आता है। तुम्हारे पिता की इस विवशता और उत्तेजना का अंत भी अंत में आशा और प्रसन्नता के एक नए अध्याय का आरंभ लेकर आएगा। तुम चिंताग्रस्त ना रहो पुत्री, अपने अश्रु पोंछ डालो, अपने विश्वास पर अविश्वास की छाया मत पड़ने दो। शांत मन से, उसी भांति श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती रहो, वे अवश्य ही तुम्हें मनोवांछित फल देंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। वासुकी, नागराज वासुकी, उठो पुत्र। प्रभु, प्रभु, भगवान भोलेनाथ, आपने बड़ी कृपा की भोलेनाथ। हे नागवंशियों के स्वामी, आपके दर्शन पाकर मैं वासुकी धन्य हुआ प्रभु। पुत्र वासुकी, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यह है कि तुमने अपने राज्य में स्वयं द्वारा निर्धारित रीतियों और नीतियों का मन प्राण से सम्मान किया और बड़ी दृढ़ता से उनका पालन कर रहे हैं। यदि तुम चाहते तो अपने राजबल का प्रयोग करके अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसकी इच्छा अनुसार उस मानव राजकुमार चित्रांगद से कर सकते थे, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया प्रभु, क्योंकि मुझे भय था कि मेरे इस कार्य से समस्त नाग जाति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक नई अनुचित परंपरा का सूत्रपात हो जाएगा। इसलिए हम आज एक नए सत्य का तुमसे परिचय कराने आए, और वो सत्य ये है कि तुम्हें अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह उसी मानव राजकुमार चित्रांगद से ही करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ नागराज, चित्रांगद की पत्नी बनना तुम्हारी पुत्री के भाग्य में लिखा है, और विधाता का ये लेख तुम तो क्या स्वयं मैं भी नहीं मिटा सकता। वासुकी, तीनों लोकों में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का आधार पहले से ही निश्चित होता है और उसके घटने का कोई ना कोई माध्यम भी बनता है। अब भाग्य अनुसार नाग मानव में संबंध स्थापित करने वाली इस विचित्र घटना के घटने का माध्यम तुम्हें बनना अतः अपने राज्य के रीतियों
नीतियों और परंपराओं के टूटने का भय अपने मन से हटा दो। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि इससे तुम्हारी नाग जाति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम निर्भय और निसंकोच होकर अपनी पुत्री मणिभद्रा का विवाह मानव राजकुमार चित्रांगद से करने की तैयारी आरंभ करो। सब मंगल होगा। जैसी आज्ञा प्रभु।